हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। फ्रेंड्स, एलपी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि पैनल लिस्ट आ चुकी है कोलकाता की, पैनल लिस्ट 4। ठीक है, तो पैनल लिस्ट 4 में कितने कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, और कितने कैंडिडेट्स यूआर से, मतलब ओबीसी एससी एसटी कास्ट के हैं लेकिन उनको यूआर में जगह मिल गई है। ठीक है, इतने इसमें कितने कैंडिडेट्स है और अभी तक कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, कितने कैंडिडेट्स बाकी है, ठीक है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए स्टार्टिंग से एंड तक, एंड यदि कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ पूछना मत भूलिए। तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि अभी तक 552 छात्र का सिलेक्शन हो चुका है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, 60% सीट अभी भी बाकी है। ठीक है, आरआरबी कोलकाता की बात कर रहा हूँ, आरआरबी कोलकाता में अभी भी 60% सीट खाली है। तो फ्रेंड्स, कितने दिनों में पूरी एलपी कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन हो जाएगा, पैनल लिस्ट आ जाएगा, और प्लस टेक्नीशियन वालों का कब तक पैनल लिस्ट आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, आरआरबी कोलकाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी कोलकाता से मैंने ये नोटिस निकाला हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल, देखिए रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, एंड जो आपके फादर्स नेम है वो है, कौन सा कम्युनिटी है, ठीक है, रिमार्क्स एंड अलॉटेड कम्युनिटी, कौन सा कम्युनिटी अलॉट किया है। यहाँ देख सकते हैं ये कम्युनिटी एससी का है, ठीक है, ये जो कैंडिडेट है, लेकिन इनको यूआर में जगह मिल गई, दैट मीन्स यूआर में इन्होंने कट ऑफ को पार कर गया। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है इनको यूआर में कैटेगराइज किया है। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी तक जितने भी लिस्ट आया उसमें यही देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है दूसरे कैटेगरीज में, ओबीसी एससी एसटी, लेकिन उनको यूआर में दिया गया। हो सकता है कि ऐसे कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो पहले निकाल रही है आरआरबी कोलकाता, ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स कैटेगरी के हिसाब से उनका अलग से निकालेगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ईस्टर्न पे, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट ईस्टर्न पे टोटल कितने कैंडिडेट्स को लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर साउथ ईस्टर्न में, यहाँ से साउथ ईस्टर्न, ठीक है, यहाँ पर साउथ ईस्टर्न है और वहाँ पर आपका ईस्टर्न है। तो फ्रेंड्स, टोटल मिला के देखा जाए, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मिला के टोटल कैंडिडेट्स जो इस पैनलिस्ट में आया है, पैनलिस्ट 4 में, वो है आपका 143। ठीक है, 143 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न मिला के। ठीक है, तो इससे पहले फ्रेंड्स जो पैनलिस्ट 3 निकाला था, पैनलिस्ट 1, 2 और 3, उसमें टोटल कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए थे 409। ठीक है, 409 सिलेक्टेड हुए थे और यहाँ पर 143, तो दोनों को मिला के कितने हुए, 409 प्लस 143 आपका लगभग 552। ठीक है, 552 कैंडिडेट्स का अभी तक सिलेक्शन हो चुका है। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वैकेंसी की तरफ, आरआरबी कोलकाता में टोटल वैकेंसीज कितनी थी और कितनी सीटें अभी भी खाली हैं, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आरआरबी कोलकाता का जो वैकेंसी टेबल लिस्ट ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है, यहाँ पर ईआर में 498, एससीआर में 703 और ईआर में 201, टोटल मिला के आपका हो जाता है 1409। ठीक है, 1409 वैकेंसीज है जिसमें कि अभी मात्र 552 वैकेंसी फिल हुई है। ठीक है, 552, तो अभी भी देखा जाए तो कितने कैंडिडेट का अभी भी बचा हुआ है,
देख सकते हैं, यहाँ 7, ठीक है, यहाँ 5, 8, तो 857 कैंडिडेट्स का अभी भी बचा हुआ है फ्रेंड्स, 857 कैंडिडेट्स का अभी भी सिलेक्शन होना बाकी है, ठीक है। तो डैट मीन्स लगभग 60% का अभी भी सीट्स वैकेंट है, जो कि पैनल 5, 6, 7, 8 करके आएगी। तो देखा जा रहा है कि हर एक हफ्ते में, हर एक 7 से 8 दिनों में एक नई पैनल लिस्ट जारी कर रही है कोलकाता, आरआरबी कोलकाता। तो हो सकता है कि ये सारे वैकेंसीज को फिल करते करते एक महीने और लग जाए, लगभग सितंबर 20 से 25 तक आपके पूरे पैनल लिस्ट आ जाए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, बहुत जन ये पूछ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। देखिए, ज्वाइनिंग की बात है तो ज्वाइनिंग कम से कम 20 से 25 दिन या कभी कभी एक महीने तक भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन। तो हो सकता है कि किसी किसी का जल्दी भी आ रहा है, किसी किसी का लेट भी आ रहा है, ठीक है। तो बस पेशेंस रखिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। जैसे ही आपका पैनल लिस्ट आ गया तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि टेक्नीशियन वालों का कब तक पैनल लिस्ट आएगा, ठीक है। तो टेक्नीशियन वालों का देखिए फ्रेंड्स, एलपी के बाद ही पैनल लिस्ट आएगा। तो मैंने जैसे बताया कि एलपी का सितंबर एंड तक कंप्लीट होगा, तो हो सकता है सितंबर के बाद या सितंबर लास्ट वीक तक टेक्नीशियन का भी पैनल लिस्ट जारी कर दे आरआरबी कोलकाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस पैनल लिस्ट 5 भी मैं आशा करता हूँ कि मतलब नेक्स्ट वीक या 8 से 9 दिन के अंदर पैनल लिस्ट 5 भी निकाल दे आरआरबी कोलकाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल की अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो थैंक यू।